मेरा नाम विद्या कामड़े है और मैं महाराष्ट्र के हमारे जो सिटी है नागपुर, मैं वहाँ रहती हूँ और मैं लोक अदालत पैनल मेंबर जज के तौर पे मैं काम कर रही हूँ नागपुर में। इंडिया की सेकंड हूँ और महाराष्ट्र की फर्स्ट, जो मैं लोक अदालत पैनल मेंबर पे जज के तौर पे काम कर रही हूँ। और मैं एक साथ ही एक संस्था है, वहाँ पे भी मैं एक पीयर एजुकेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। और नागपुर में हमारे जो भी किन्नर्स कम्युनिटी है, जो किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए मैं समाज कार्य का काम करती, सोशल वर्क का काम करती, उनके राइट्स के लिए। 2019 से मैं वो 3 सालों से मैं काम कर रही हूँ लोक अदालत में। ऐसे जैसे गवर्नमेंट इंश्योरेंस जो होते हैं, एक्सीडेंट केसेस होते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस केसेस होते हैं, तो उनके हम लोग काम करते हैं। और जैसे कि अगर किसी का फैमिली मैटर है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बार जब मैं पहला दिन मुझे जब मुझे सिलेक्ट किया गया था, मेरे कुछ काम, मेरे जो सोशल समाज कार्य है सोशल वर्क के हिसाब से, तो पहला दिन मुझे जब मैं गई थी तो बहुत सारे लोग देख रहे थे कि किस तरह से एक किन्नर यहाँ पे बैठी हुई है और देख रही है, काम कर रही है, उसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है और वो लिखाई पढ़ाई कर रही है। तो लोगों का देखने का और सोचने का तरीका अलग था। पर जब मैं भी कंटिन्यू उन एडवोकेट्स लोग हैं, जज साहब हैं और वहाँ के क्लर्क हैं, जब मैं उन लोगों से सबसे मिलती जुलती गई, 2-3 दिन कंटिन्यू उनसे बातचीत की, उनकी मतलब फेस टू फेस हम लोग जब बातचीत करते रहे, तो मुझे अच्छा हल्का महसूस हुआ कि रिलैक्स हुआ कि नहीं, आज हम भी कहीं बैठे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखने का अनुभव हुआ करके। पर फिर 10 दिन बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एजुकेशन 12th क्लास तक हुआ है, 12वीं कक्षा तक मैं पढ़ी हूँ। हमारी फैमिली कुछ गरीब इसके थे तो मैं उतना आगे नहीं पढ़ पाई। बस मुझे आगे मुझे कुछ बनना था, तो मुझे खुल के समाज के सामने आना था। और मेरी फैमिली बहुत कमज़ोर इसके थे, मतलब गरीब इस फैमिली से बिलोंग है, तो मैं सीधा अपना किन्नर समाज की ओर चली गई। और वहाँ से फिर मैंने अपने समाज का सोशल वर्क जो बोलते हैं हम, समाज कार्य काम करते हैं, उसमें मैं लगी रही। तो अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना करते करते, ऑफिस में आते जाते रहे, तो मुझे कंप्यूटर और ये सब चीज़ों में सीखने को मिला। तो कम से कम मैं 20 साल तक मैं ऑफिस में काम की और फिर उसके बाद मुझे लोक अदालत में सिलेक्ट किया गया। सबसे पहले हम अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पहली बात तो कि ताना देना, एक मजाक बनाना, किन्नर अगर किसी के घर में दिखे तो पहले ही बोलते हैं कि आपके घर में भी किन्नर है। तो उस तरह से फैमिली बहुत डिप्रेशन हो जाती है, एक मतलब समाज जो जिस तरह से ताने देते हैं तो घर वाले नहीं उतना सपोर्ट कर पाते। तो मैंने अपने खुद अपने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे वजह से मेरे फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने खुद होके 18-19 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दी। और घर छोड़ी थी, मेरे बहन है, मेरी मेरा भाई है, मम्मी पापा सब है, तो मेरे वजह से मेरे फैमिली को तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो तो नॉर्मल है। मैं नॉर्मल नहीं, मैं अलग थी, मुझे खुल के जीना था। तो मेरे मेरे बहन की शादी कैसे हो पाती, मेरे भाई के साथ कोई शादी कर पाता, उसको भी आगे कुछ पढ़ना है। तो मैंने ये सोच के मैंने घर को छोड़ दी। आज भी मेरे पिताजी मेरे से बात नहीं करते हैं, सिर्फ मम्मी से बात होती है, सिस्टर से बात होती है, फैमिली। अभी मैं अभी जब से मैं यहाँ पे आई हूँ रहने के लिए किराए के घर में, तो अभी मेरे मम्मी वगैरह सब आते हैं, सिर्फ बातचीत करते, सिर्फ पिताजी और अंकल वगैरह वो नहीं बात करते। मेरे फ्रेंड्स तो है, साथ में ही रहते हैं, और कुछ ऐसे भी फ्रेंड है जैसे कि हमारे किन्नर समाज है जो आते जाते रहते हैं। और मैं बल्कि यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं लगता कि मैं अलग घर में आई हूँ, किराए के घर में आई, तो किसी समाज अलग नहीं। जब से नालसा जजमेंट का जब आया और मुझे ये कोर्ट के तरफ से जो मुझे सिलेक्शन किया गया, उसके बाद से भी इस इधर के जो हमारा आस पड़ोस वाले बहुत इज्जत देते, तो बस सबसे तो सबको इज्जत मिली। लोगों ने हमारे बारे में नहीं सोचा, पर हम सबके लिए सोचते हैं। जरूरी नहीं है अगर मैं लोक अदालत में बैठी हूँ तो किन्नरों के ही केसेस नहीं आते, सबके आते, मुझे सबको देखना है। अगर आज मैं अगर सब लोगों के बीच में अगर जाऊँगी, सब लोगों समाज में अगर मैं इंटरफेयर करूँगी, तभी तो मुझे समाज अपनाएगा। अगर मैं ही बोलूँगी नहीं, मुझे मैं अलग हूँ, मुझे अलग ये चाहिए, नहीं, मुझे सबके साथ एक जैसे, जैसे जेंट्स को जितने मायने हैं, लेडीज को जितने मायने हैं, रुतबा उतना मिला है, उतना किन्नरों को भी सेम अधिकार मिलने चाहिए, उनके राइट्स उनको मिलने चाहिए। गवर्नमेंट के तरफ से हमने एक स्कीम निकाली जिसको संजय गांधी निराधार योजना बोला जाता है, जो हमारे ओल्ड एज के जो सीनियर किन्नर है
उन लोगों के लिए हमने पेंशन योजना चालू की है, वो हर महीना मिलता है उनको। और हम लोग और गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि एक वृद्धाश्रम भी होना चाहिए उनके हेल्थ इश्यू, मतलब उनको कुछ पॉलिसी भी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से, और उनकी जो मेडिसिन है वो भी कम होनी चाहिए। हमने हमारे जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जाके हम लोग ने बात की। अभी सब एक धीरे धीरे हम कदम बाय स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ एक्चुअली मैंने बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे कि नालसा जजमेंट जब आया था और किन्नर 15 अप्रैल को हमारे हमको डिक्लेयर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट से कि जैसे कि ये भी एक समाज का हिस्सा है, तब हम लोगों ने बहुत सारे मतलब ऐसे मोर्चे आंदोलन, और जब सब्सिडी लगी थी और लॉकडाउन पे लगे थे, हमने बहुत सारे मानव सेवा काम किया है। किन्नर लोगों को भी हम लोगों ने अनाज वगैरह दिए हमारे CBO के तौर से और हमारे कम्युनिटी के ओर से। ऐसे हमारे बहुत सारे तबला है जिन्होंने हम लोगों ने बहुत सारे अच्छा मतलब फूड प्रोवाइड किए हैं, और बाकी के लोगों के लिए भी हमने लड़ा है। तब मेरे जो हमारे जो अच्छा काम था वो उस चीज़ को देख के इन्होंने मुझे सिलेक्ट की, मुझे अप्रोच किया गया था, मुझे जस्ट बुलाया गया था, और उन्होंने बताया थे कि गवर्नमेंट के तरफ से एक ऐसा ऐसा GR आया है हमारे दलसा में लोक अदालत में, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें काम करना चाहेंगे? तो हमने कहा कि नहीं, पहला अगर कदम है हमारे किन्नर समाज को और आगे मतलब सामने लाने का, एक ये अच्छा बहुत अच्छा प्लेस है, तो मैं इससे आगे पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसमें हाँ कर दी और फॉर्म भर दी थी।